हेलो स्टूडेंट्स आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट जे पेपर वन की क्लासेस कवर कर रहे हैं जिसमें हमने यूनिट वन के डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट वन विच इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग राइट सो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर टेन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट दिस यूनिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एम सी क्यूज एवरी ईयर टू टू थ्री क्वेश्चन कम्स टू फ्राम दिस यूनिट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम अपने हर लेक्चर सीरीज में uh, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि हर लेक्चर के एंड में हम एक होमवर्क एम सी क्यू लेते हैं और आप उसको घर पर डिस्कस करके नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उसम होमवर्क एम को डिस्कस करते हैं तब हम लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं सो इस लेक्चर का जो होमवर्क एम आपको लास्ट लेक्चर में दिया गया था वो था वाइल्ड डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम समिस्टर्बेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर उसको लेक्चर डिलीवर करते वक्त क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ऑप्शन ए कीप क्वाइट फॉर अ वाइल्ड देन गो ऑन ऑप्शन बी

देन नॉट बॉर्दर ऑफ वॉट इज हैपनिंग आप ध्यान नहीं देंगे कोई परवाह नहीं करेंगे क्लास में आप बस अपना लेक्चर देते चले जाएंगे विदाउट एनी बॉर्िंग के क्लास में क्या हो रहा है वॉट इन्वायरमेंट यू आर हैविंग देयर या फिर इन सभी ये सभी ऑप्शन uh, uh, बिल्कुल सही हैं और आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट opt कर लेंगे सो so स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट अगर आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एज अ टीचर यू शुड कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन गो ऑन आप बिकॉज uh, uh, ऐसा माना जाता है कि आप uh, अपने बिहेवियर uh, से अपने आई कॉन्टैक्ट uh, से भी uh, क्लास को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप uh, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसा अपना बॉडी जेस्चर देंगे आप uh, थोड़ी देर के लिए अपने लेक्चर को रोकेंगे एंड देन यू गो ऑन तो इट इज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ओवर द स्टूडेंट्स राइट सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग uh, uh, ये आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हम आगे बढ़ते हैं <coughs> जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर लेक्चर uh, में एक इम्पॉर्टेंट कोट डिस्कस करते हैं टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड तो इस लेक्चर का कोट है मोर इम्पॉर्टेंट देन द कारिकुलम इज द क्वेश्चन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग एंड द स्प्रिट इन विच टीचिंग इज गिवन ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कारिकुलम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द करिकुलम दैट मीन्स आपके सिलेबस में आपके करिकुलम में जो कंटेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन से टीचिंग मेथड से अपने लेक्चर डिलीवर करते हो और साथ में कि आप द स्पिरिट इन विच यू टीचर टीचिंग इज गिवन आप किस भावना के साथ अपनी टीचिंग को देते हैं आपकी भावना एज अ टीचर जो होनी चाहिए वो ये कि स्टूडेंट को लर्निंग मिले अधिक से अधिक आपके लेक्चर से आपके कंटेंट uh, से द स्टूडेंट हैज़ टू बी नॉलेज हैज़ टू बी लर्न इट सो दैट इज़ द स्प्रिट दैट शुड बी द स्प्रिट ऑफ टीचिंग राइट मिस्टर बर्टर एंड रसल ने uh, इस बात को बिल्कुल करेक्टली uh, कहा है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स uh, इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग जिसमें हम टीचर सेंटर्ड और लर्नर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को डिस्कस करेंगे राइट right, स्टूडेंट्स सो मेथड्स ऑफ टीचिंग दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग के इन वॉट मैनर्स अ टीचिंग कुड बी कंडक्टेड

क्या टीचिंग मेथड यूज करते हो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हो दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट द टीचर हैज़ अ नंबर ऑफ मेथड्स आर्ट हेज डिस्पोजल टू सेलेक्ट फ्रॉम जो भी आपका सेट ऑफ टीचिंग है टीचिंग मेथड्स हैं उसमें से आप कोई भी अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड सेलेक्ट uh, कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हो एज़ पर द एन टी ए नेट सिलेबस यू हैव द फॉलोइंग टू एक्सट्रीम सेट ऑफ मेथड्स फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हमें जो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर आपको एक बात कोट करना चाहूँगी कि आपको uh, जो सिलेबस में वो दो ही तरह के मेथड मेंशन किए गए हैं एक तो टीचर सेंटर्ड मेथड नंबर वन और दूसरा लर्नर सेंटर्ड मेथड राइट लेकिन दिस इज ऑल्सो हेज टू बी अंडरस्टैंड हेयर कि इन दोनों के बीच का एक मैथड होता है मिक्स्ड अप्रोच मैथड्स जिसमें कि आप इन दोनों uh, जो मैथड्स ऊपर मैंशन किए हैं उनके मिक्सचर को अप्लाई करते हैं जिसमें टीच टीचर एंड लर्नर बोथ कैन बी देंटर ऑफ द टीचिंग और देन यू अप्लाई दिस मिक्सड अप्रोच ऑफ मैथड्स सो so स्टूडेंट्स uh, इस तरह से हम uh, देखते हैं कि uh, तीन तरह के ओवरऑल अगर हम देखें प्रैक्टिकली uh, uh, अगर हम देखें तो तीन तरह के मेथड्स एक्चुअली uh, हम ऑप्ट uh, करते हैं थ्रू द टीचिंग वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लास सो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं जिसमें कि वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ टीचिंग मोड जिसमें सबसे पहले टीचिंग सेंटर्ड मेथड टीचिंग सेंटर्ड मेथड क्या है जिसमें कि द टीचर कास्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इस तरह के मेथड में टीचर इज द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट और एन अथॉरिटी जो टीचर है वो ही uh, उस पूरे टीचिंग एक्टिविटी का मेन पार्ट है ही इज़ अ एक्सपर्ट ऑफ इस सब्जेक्ट एंड ही इज़ अ मेन अथॉरिटी टू टू कंडक्ट दैट टीचिंग एक्टिविटी इन द क्लास राइट एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लर्नर्स की बात करें तो जो लर्नर्स हैं दे प्रज्यूम टू बी पैसिव एंड कैप्शियस रेसिपीस ऑफ नॉलेज from the teacher और जो learners हैं they don't have don't need to do anything else in the class rather to uh, only uh, resume that content which is delivered by the teacher through the lecture जो भी teacher class में पढ़ा रहा है उसको उसे केवल समझना है और उस knowledge को gain करना है this is called teacher centered method जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी लेवल के टीचिंग होते हैं जैसे नर्सरी केजी उसमें टीचर सेंटर्ड मेथड्स को अप्लाई किया जाता है कैसे अप्लाई किया जाता है कि आप जो टीचर है वो सिंपली आपको बता देता है कि आपको बच्चे को क्या करना है स्टूडेंट को क्या करना है आ, 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 सपोज ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं तो टीचर ने आ, ए पढ़ाया देन बी पढ़ाया सी पढ़ाया डी पढ़ाया और उसके मीनिंग्स बताए कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी सी फॉर कार और उसमें जो टीचर है उसने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया एंड द मेन फोकस अपॉन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट ने जो टीचर ने पढ़ाया वो स्टूडेंट ने उसको मेमोराइज कर लिया दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड देन लर्नर सेंटर्ड मेथड लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं द लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड ट्राई टू अकोमोडेट द डिफ्रेंस डिस्प्लेड बिटवीन द लर्नर्स द टीचर बिकम अ रिसोर्स देन द अथॉरिटी अच्छा ये दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड यहाँ पे लर्नर इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी जिसमें कि जो लर्नर है वो ही डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिस्प्ले करता है और जो टीचर है वो केवल एक अथॉरिटी एक रिसोर्स बनकर रह जाता है जिसके माध्यम से उसको लर्निंग मिलती है राइट तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़े से जो हायर हायर स्टडीज़ में जो पढ़ाई होती है उसमें हम इस तरीके के मेथड को देखते हैं हमें देखने मिलता है जिसमें टीचर आपका केवल एक मिनटो और एक गाइड का रोल प्ले करता है और आप उसमें केवल आप उसको उससे दिए गए इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो जैसे इसमें हम पी लेवल का स्टडीज को देख सकते हैं जिसमें कि जो आपके जो पी करते हैं रिसर्च करते हैं उसमें एक सुपरवाइज़र एक गाइड होते हैं जो आपको एक रूट प्लान देते हैं एक आपको एक रास्ता बताते हैं कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को अपने रिसर्च को आगे करना है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्टडीज़ होती हैं यू स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज आप सब उसी बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं कवर कर कर आए हैं और आप टीचिंग भी कर रहे हैं और आगे जे के थ्रू आपको आ, आप में से बहुत स्टूडेंट्स अपना पी भी आ, स्टार्ट करेंगे सो so, आपको ये बिल्कुल पता होगा कि जहाँ पर सुपरवाइज़र या जो गाइड है वो आपको गाइड करते हैं या एमए में जो आपका या पीजी लेवल में एमकॉम है एमबीए है उसमें आपको एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है उसमें भी आपको टीचर्स केवल गाइड करते हैं आपको आपको बताते हैं कि ये आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं इस तरह से आप अप अपने नोट्स बना सकते हैं आप हाई स्टडीज़ में देखिए वहाँ पर टीचर्स आपको ऐसे उंगली पकड़ के जैसे छोटे क्लासेस में पढ़ाते थे वैसे आपको नहीं पढ़ाते हैं आपको दे ओनली गाइड टू यू कि आप ऐसे कर लीजिए अब आप इट इज़ अप टू यू कि आप करते हैं प्रिपरेशन उसको फॉलो करते हैं नहीं करते इट इज अप टू यू सो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स इज एक्चुअली अ लर्नर ओरिएटेड मेथड जिसमें कि जो लर्नर है वो ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें हायर स्टडीज कवर हो जाती हैं जैसे कि आपने पी uh, की पढ़ाई है दैट इज कवर्ड और जो हायर स्टडीज़ होती हैं पीजी लेवल की पढ़ाई होती है या आपने जो अपना अबी बी कॉम बी बी ए या बी ए या बी कॉम ऑनर्स या ग्रेजुएशन लेवल का जो पढ़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो टीचर है वो आपको केवल गाइड करता है राइट right? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्सड अप्रोच मिक्सड अप्रोच में uh, क्या है कि इन बिटवीन टू एक्सट्रीम अप्रोचेज जो हमने ऊपर डिस्कस करी टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड उनके बीच में कहीं ये अप्रोच uh, uh, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं बीच में लाए uh, होती है uh, जिसको कि हम मिक्सड अप्रोच कहते हैं जिसमें टीचर एंड लर्नर बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड बोथ आर द ओनली रिसोर्स और जिसमें कि दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है राइट right. अब इसमें हम स्टूडेंट्स अपना जो एक 11 ट्वेल्थ की स्टडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं हम इसमें कवर कर सकते हैं जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीसीएम लिया हुआ है आपने तो टीचर ने आपको फॉर्मूलाज बता दिए टीचर ने आपको कहीं ना कहीं आपको एक इम्पॉर्टेंट बहुत वेटी आपको क्लास दिया आपको कंटेंट दिया आपको समझाया पढ़ाया जिसमें टीचर इज़ मेन एलिमें moment. टू डिलीवर द क्लास और लेक्चर और इन द सेम मैनर अगर आप उस फॉर्मूलाज़ को उस कंटेंट को अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लर्निंग में अपने क्वेश्चन uh, को अटैम्प्ट करने में एग्जाम में तो आपका वो uh, जो uh, आपने गेन किया है नॉलेज वो बेकार हो जाएगा तो इन दिस एक्टिविटी लर्नर इज़ गोइंग टू बी द मेन पार्ट सो मिक्सड अप्रोच कहीं ना कहीं दोनों को ही ध्यान में रखते हुए इस अप्रोच को बनाया गया है सो so स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि तो तीनों ही जो इंपॉर्टेंट रोल थे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो हमने यहां पर डिस्कस करे अच्छा अब इन मेथड्स uh, में एक्चुअली कौन कौन से काइंड्स ऑफ आ, आ, टीचिंग होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे जैसे हमने देखा टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में या टीचर सेंटर्ड मेथड में तीन तरह के मेजरली मेथड्स को डिफाइन किया गया है नंबर वन लेक्चर मेथड देन टीचिंग टीम टीचिंग मेथड देन टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड देन मिक्स्ड जो मेथड है उसमें अगेन देयर आर टेन काइंड ऑफ मेथड्स आपको मैंशन किए गए हैं ग्रुप डिस्कशन सेमिनार पैनल डिस्कशन ब्रेन प्रोजेक्ट मेथड और वर्क ट्यूटोरियल्स केस स्टडी रोल प्ले सिमुलेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन इसी तरह लर्नर सेंटर्ड मेथड में भी हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स मेंशन किए हैं जिसमें ट्यूटोरियल्स है असाइनमेंट्स हैं प्रोजेक्ट वर्क है केस स्टडी है प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है इंटरेक्टिव वीडियो है ओपन लर्निंग है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ह्यूरिस्टिक मेथड है तो हम वी विल डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन अच्छा इन मेथड्स को टीचर स्टूडेंट्स कवर करने के लिए हमने इसको तीन पार्ट्स में हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे लेक्चर टेन को जिसमें एक एक करके हम तीनों मेथड्स को हम लोग समझेंगे हम लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे थ्रू द लेक्चर और उसको उसके रिलेटेड एम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पहली तरह के मेथड के अंतर्गत जो भी वैरायटी ऑफ मोड दिए गए हैं टीचिंग के वो डिस्कस करेंगे जिसमें टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में सबसे पहले हमारे पास था लेक्चर मेथड इफ़ यू रिमेंबर जो हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा कि लेक्चर मेथड के थ्रू कैसे टीचिंग होता है इट इज़ अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ टीचिंग जिसमें कि हम देखते हैं कि टीचर लेक्चर मेथड के थ्रू अपने टीचर को अपने टीचिंग को अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं इट इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमनेटिंग टीचिंग मेथड एंड इट इज़ प्रिफर्ड बाय मेनी टीचर्स मेनी ऑफ द टीचर्स ओनली प्रिफर दिस काइंड ऑफ मैथड बिकॉज इट इज़ अ वेरी कन्वेंशनल एंड वेरी ओल्ड फैशन काइंड ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स इसको जनरली ऑप्ट करते हैं इस मेथड को इन दिस मेथड अ टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड और इस लेक्चर uh, मेथड के थ्रू टीचर क्लासरूम में uh, अपने रेलिवेंट टॉपिक्स से रिलेटेड uh, जो फैक्ट्स हैं प्रिंसिपल्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशन uh, पढ़ा रहे हैं एंड उस पर आपको काइंड्स ऑफ मोटिवेशन एंड देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है वो आप पढ़ा रहे हो देन uh, उसके बाद उसकी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पर सिंपली टीचर ने लेक्चर के थ्रू अपने कंटेंट को डिल कर दिया द टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट और जैसे कि हमने टीचर सेंटर्ड मेथड में डिस्कस किया था कि इसमें टीचर हैज द मेन रोल एंड द स्टूडेंट आर अज्यूम टू बी पैसिव लर्नर्स लिसनर्स जिसमें कि टीचर आकर अपने कंटेंट को डिलीवर करता है डिक्टेट करता है समझाता है एक्सप्लेन करता है और जो लर्नर है जो स्टूडेंट है वो सिंपली उसको सुनता है और उसको एज्यूम करता है यूजली द स्टूडेंट डोंट कंजर्व विद द टीचर ड्यूरिंग लेक्चर बाय द टीचर Uh, यहाँ पे uh, जो स्टूडेंट्स हैं वो uh, बीच में उनका कॉन्वर्जेसन हार्डली हो पाता है बिकॉज टीचर एज कम्स इन टू द क्लास ही स्टार्ट गिविंग द लेक्चर और आप सिंपली उसको नोट no डाउन जो भी वो वर्बली बता रहे हैं वो आप उसको नोट no डाउन कर लेते हैं एक की uh, नोट के रूप में और uh, आपका लेक्चर ओवर हो जाता है और एज अ लर्नर कोई एक का स्कोप हार्डली ही रहता है जिसमें कि स्टूडेंट uh, और टीचर के बीच में टू वे कॉन्वर्जेसन हो कम्युनिकेशन हो और सवाल जवाब हो केवल टीचर आके अपना कंटेंट किया और स्टूडेंट ने उसको सुन के नोट कर लिया इट हैज वन वे कम्युनिकेशन ये स्टूडेंट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें कि स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली द टीचर हैज कम इन टू द क्लास एंड ही हैज डिलीवर द कंटेंट वट एवर ही नीड टू डिलीवर राइट स्टूडेंट्स तो इसके बाद नेक्स्ट uh, uh, हम लोग uh, इसकी एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस uh, जो ये तरह का टीचिंग uh, मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं नंबर वन इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये यह बात इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो लेक्चर मेथड है वो कब अप्रोप्रिएट माना जाता है तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए इस मेथड को ऑप्ट किया जाता है स्टूडेंट ध्यान से इसको यहीं पर समझ लें कि इसके एडवांटेजेज में देखिए ये बात साफ मैंशन की गई है राइट एट अ टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अदर मेथड्स कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली वे दिस इज द बेस्ट वे टू डिलीवर द लेक्चर इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम एंड द सिलेबस कैन बी वेरी इजिली कवर्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम जैसे कि हम सिंपली uh, कॉलेज uh, में देखते हैं कि आपको फोर्टी लेक्चर में एक सब्जेक्ट को ऑन एन एवरेज फोर्टी कहीं पर फोर्टी इस तरह से 40, uh, क्चर्स में हमें अपना जो कंटेंट है सिलेबस है वो बच्चों को कंप्लीट करवाना होता है और आप एक 45 मिनट की क्लास में 50 मिनट की क्लास में आ, अपने कंटेंट को लेक्चर मेथड के थ्रू जाकर डिलीवर कर कर आते हैं सो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ मेथड, जिसमें हमने देखा इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन यू कैन बी अप्रोज्ड थ्रू दिस मेथड एंड देन uh, इसमें इट सेव्स द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ्स टाइम और इसमें सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाता है देन इट सिम्प्लीफाइज द टास्क ऑफ द टीचर इसमें टीचर का बड़ा कन्वीनियंट uh, तरह से वो अपने कंटेंट uh, को डिलीवर कर देता है इट इट इज़ वेरी इजी फॉर द टीचर इट इज़ यूजफुल फर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड ड्राॅइंग अटेंशन टू इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर अब एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंटेंट कि आपके जो सब्जेक्ट का नेचर है उसका क्या है रोल और आपके लिए ये लेक्चर मेथड ही यहाँ पर अप्रोप्रिएट है अगर आप अपने लेक्चर में केवल इंफॉर्मेशन अगर आपको सपोज आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसमें आपको अपने लेक्चर में केवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो मीनिंग uh, है देन उसके बाद उसका जो इंडियन uh, बास्केट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट uh, में हमारे यहां uh, जाते हैं और कौन कौन से हम इंपोर्ट करते हैं वो डिस्कस करना है देन उसके बाद उसका डेटा डिस्कस करना है कि कितना एक्सपोर्ट हमारा ईयरली होता है या पिछले दस सालों में हमने कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया तो यहाँ पर आपको लेक्चर मेथड इज द बेस्ट वे बिकॉज यहाँ पर आपको केवल कुछ फैक्ट्स और कुछ इंफॉमेशन डिलीवर करनी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान आपको खींचना है सो लेक्चर मेथड इज़ बेस्ट ड्यूट डिंग लेक्चर इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन आर यूजअली एवॉइड और यहाँ पर इस लेक्चर के दौरान आपका किसी भी तरह का जो इंटरप्शन है और जो डिस्ट्रैक्शन है वो ईज़िली इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कोई टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं है वन वे कम्युनिकेशन है तो ओनली वन पार्टी हैज़ द रोल टू प्ले सो यहाँ पर इस, इस तरह से भी ये एक ईजी वे है uh, समझने का देन उसके बाद कुछ लिमिटेशन हैं इस तरह के टीचिंग मेथड की वो क्या होती हैं लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स के क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं Uh, जिसमें कि uh, हम बात करें तो नंबर uh, वन है इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल ऑपरचुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एक्टिविटी द टीचर टेक्स स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग अच्छा यहाँ के अपने बैरियर्स हैं इस तरीके के मेथड के बिल्कुल सही बात है कि आप जब लेक्चर मेथड के थ्रू अपना कंटेंट डिलीवर करते हो तो स्टूडेंट्स बड़े ही पैसिमिट बड़े बड़े ही इनएक्टिव से क्लास में बैठे होते हैं दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले ड्यूरिंग द लेक्चर और uh, जो टीचर है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही मोनोटोनस क्लास नहीं हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं एक स्पेशल एफर्ट पुट करना पड़ता है कि क्लास थोड़ी लाइवली सी रहे थोड़ी इंटरेक्टिव रहे तो हाउ टू डू दैट राइट सो इट इज अ लिमिटेशन इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ दिस काइंड ऑफ मेथड देन इट यूजअली डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम जैसा कि हमने देखा कि इस तरीके के लेक्चर मेथड में आ, इस तरीके के टीचिंग मेथड में टीचर केवल लेक्चर या इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डिलीवर करता है तो यहाँ पर लर्नर्स के लिए एक लिमिटेड uh, स्कोप होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेगा उसको बहुत कम अवसर मिलता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करे टीचर से पूछे और उसका रिजोल्यूशन उसे मिल पाए दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड देन इट ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चेकिंग लर्नर्स प्रोग्रेस वेदर द स्टूडेंट आर अटेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग ऑन द ऑल दैट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग इन द लेक्चर तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि आप जब लेक्चर मेथड uh, के थ्रू अपनी टीचिंग करते हैं तो ये वन वे टीचिंग कंटेंट डिलीवरी है आप एज अ टीचर क्लास में गए और आपने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स जो निकल कर आए वो ये आए कि टीचर के पास uh, बहुत ही कम ये नॉलेज uh, होती है कि लर्नर या स्टूडेंट क्या सोच रहा है कितना वो कंटेंट आपका इनटेक कर रहा है कितना टेक अवे वो ले रहा है कितना वो वेदर द स्टूडेंट आर अटेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि uh, कितने स्टूडेंट आप अटेंड करें क्लास रेगुलरली दे आर कमिंग टू द क्लास और नॉट आपने इस पर भी uh, आपको अटेंशन देने की uh, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है वो बच्चों को कितना परसेंट समझ में आ रहा है ये भी यहाँ पर थोड़ा इस मेथड में मुश्किल होता है समझना द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ अच्छा यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक जैसे हैं बिकॉज दे ऑल आर लिसनर्स ओनली यहाँ पर uh, किस स्टूडेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इनटेक आपसे ले रहा है या कौन सा स्टूडेंट बिल्कुल डम क्लास में बैठा हुआ है आ, कोई भी उसमें कोई रिएक्शन नहीं है आपकी कंटेंट को लेकर आपके लेक्चर को लेकर सो यहाँ पर उसका भी स्कोप बिल्कुल भी नहीं रहता देन इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग यहाँ पर एक ग्रुप लर्निंग हो रही है तो इंडिविजुअल जो लर्निंग है स्टूडेंट की उसके लिए भी कोई स्कोप नहीं बचता स्टूडेंट्स तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमने लेक्चर मेथड के टीचिंग में में देखे नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड मेथड ऑफ टीचिंग इज एन इनोवेटिव अप्रोच ये uh, कुछ नयापन रखती है इस तरीके की अप्रोच जिसमें कि लार्ज ग्रुप्स इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड इवालेटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने की बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार और यहाँ पर आपको जो की uh, पॉइंट्स uh, ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स टीम टीचिंग मेथड में वो है लार्ज ग्रोप इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व यानी कि हमने लेक्चर मेथड में देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कवर्ड इन दैट मेथड, बट टीम टीचिंग मेथड में हमने देखा कि लार्ज ग्रुप ऑफ टीचर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ मेथड, राइट जिसमें कि टीचर्स uh, अपने जो टीचर्स uh, हैं वो अपनी अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन और इवालुएशन करते हैं जैसे कि ग्रुप इसको ग्रुप टीचिंग भी कहा जा कहते हैं यहाँ पर सभी टीचर अपने एक्सपीरियंसेस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर आ, 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 किसी पर्टिकुलर वर्कशॉप की बात कर सकते हैं जिसमें सभी टीचर्स अपने अपने एक्सपर्टीज के साथ अपने सेशंस को लेते हैं एक टीचर आया उसने अपना सेशन लिया दूसरा टीचर आया उसने अपना सेशन लिया फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च मैथडोलॉजी पर वर्कशॉप ले रहे हैं सेवन डेज की तो उसमें आपने देखा कि फर्स्ट डे हैज़ बिन टेकन बाय वन एक्सपर्ट देन सेकेंड आपको लिटरेचर uh, uh, कैसे बताना कैसे आपको लिटरेचर रिव्यू uh, को बनाना है उसने एक्सप्लेन किया देन डेटा एनालिसिस के लिए एस पी एस एस का uh, uh, कैसे आपको यूज़ करना है उसके लिए अलग एक्सपर्ट टीचर ने आकर आपका सेशन लिया सो इट इज़ अ टीम टीचिंग मेथड या फिर एक ही क्लास में uh, जो टीचर्स uh, हैं वो डिफरेंट different, डिफरेंटली uh, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसको एग्जीक्यूट uh, कर रहे हैं तो इस तरह से टीम टीचिंग मेथड इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी इनोवेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग इसके क्या एडवांटेजेस हैं हम डिस्कस करते हैं नंबर वन एडवांटेज है शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक बात है जैसे अभी हमने वर्कशॉप की बात करी जिसमें कि एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो टीचर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यू विल गेट द एक्सपर्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेज इसमें uh, जो uh, आपके आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है आपके टीचिंग uh, के थ्रू दैट इज दैट इज़ द मेन एडवांटेज जैसे कि अगर आप फॉर uh, एग्जांपल uh, आप का जो क्लास है वो स्मार्ट क्लास है उसमें आपको प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड करे गए हैं उसमें ऑडियो सिस्टम अच्छा है तो जो टीचर्स हैं वो सभी आकर अपने एक्सपर्टीज उन डिवाइस के थ्रू उन टेक्निक्स के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दोज डिवाइस टू डिलीवर द कंटेंट इन द क्लास देन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी ऑब्वियसली वैन यू आर टेकिंग सच आ इनोवेटिव स्टेप्स टू डिलीवर द लेक्चर सो आपकी जो टीचिंग क्वालिटी है नो डाउट वो बहुत इम्प्रूव और बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो जाएगी अच्छा इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्टूडेंट्स कुछ ड्रॉबैक्स हैं लेट डिस्कस दैम वन बाय वन नंबर वन इज़ फाइंडिंग टीचर विद स्पेशल कॉम्पिटेंसी इज अ डिफिकल्ट टास्क दैट्स इंपॉर्टेंट कि अगर अगर आप एक टीचिंग ग्रुप बना रहे हैं टीम टीचिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं सो यू हैव टू फाइंड द टीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन हु आर द एक्सपर्ट ऑफ देअर टॉपिक्स देन मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मैथड भाई अभी तक आपने देखा कि एक ही टीचर से आपका काम चल रहा था बट नाउ यू नीड मोर टू मोर देन वन टीचर्स यू रिक्वायर्ड फॉर अ टीम टीचिंग जिसमें आपको उस ग्रुप को तैयार करने की उस टीम को तैयार करने की जरूरत है नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग कुछ ऐसे नेचर ऑफ सब्जेक्ट हैं जिसके साथ आप टीम टीचिंग को अप्लाई कर सकते हैं देन इट रिक्वायर्स मस्ट टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलियसली वन द मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी तो आपको ज्यादा प्लानिंग ज्यादा शेड्यूलिंग की जरूरत है ज़्यादा uh, उसके लिए अपनी तैयारी रखेंगे आप अपनी उसकी उतनी प्रिपरेशन उतनी आपको करनी होगी सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ टीचिंग मेथड जिसमें हमने देखा कि uh, uh, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशन हैं नाउ थर्ड काइंड ऑफ़ जो टीचिंग uh, है uh, uh, जिसमें कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन की बात करी गई है इसमें हम इस uh, 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 के माध्यम से टीवी या वीडियो के माध्यम से हम अपनी टीचिंग को एग्जीक्यूट करते हैं टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ एन इंप्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन जो पहले रेडियो के माध्यम से या आपने देखा होगा आकाशवाणी में डिफरेंट एजुकेशनल आ, आ, जो आ, थे आ, रेडियो के चैनल्स वो पहले टीचिंग को एग्जीक्यूट करते थे उसी की जगह अब टेलीविजन ने और ऑडियो प्रेजेंटेशन का स्थान वीडियो प्रेजेंटेशन ने ले लिया समय की प्रगति के साथ साथ इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम और आप इस तरह के टीचिंग के माध्यम से बच्चों के सामने स्टूडेंट्स के सामने वो सारा कंटेंट जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं अपनी टीचिंग में वो उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो uh, प्रेजेंटेशन uh, uh, आप एक टीवी uh, uh, के प्रजेंटेशन के द्वारा एक वीडियो क्लिप के द्वारा आप उनको दिखा सकते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं देन स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रजेंटेशन इज फॉलोड बाई अ और टास्क और जैसे ही आपने अपने उस प्रेजेंटेशन को दिया उसके बाद आप उसको आ, आ, अपने डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उस टीचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इफ द टीचर इज देयर इज अ ज्योग्राफी टीचर और वो ग्लेशियर्स glac, पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को तो आ, पहले तो उसने सिंपली uh, उस ग्लेशियर को डिफाइन कर दिया अपना कंटेंट टेक्स्ट uh, uh, बता दिया स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि अगर वो एक वीडियो क्लिप के थ्रू उस ग्लेशियर्स को बच्चों को दिखाए और किस तरह से वो दिखते हैं किस तरह से वो आ, आ, कैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कैसे वो पिघल जाएंगे तो अगर ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दिखाएंगे तो वो जो लर्निंग है वो फॉर द लॉन्ग टाइम है स्टूडेंट्स विल नॉट फॉरगेट एट ऑल आप आ, ये बहुत इम्पैक्टफुल मोड ऑफ टीचिंग होता है आपने देखा होगा आजकल अधिक से अधिक स्कूल एक स्मार्ट टीचिंग को ऑप्ट कर रहे हैं जिसमें कि क्लासरूम्स के अंदर ही प्रोजेक्टर्स uh, होते हैं उनका in, uh, इंटरनेट कनेक्शन होता है उस पर और आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं सपोज़ आप बायो टीचर हैं आप बायोलॉजी से रिलेटेड आप सपोज प्लांट आपका टॉपिक चल रहा है प्लांट एंड ट्रीज़ तो उसमें आप प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जिसमें कि लीफ है उसका जो उसका तना है उसके जो स्टोमेटा है लीफ के जो बिल्कुल बारीक पार्ट्स हैं तो उनको आप आप बुक के कंटेंट के साथ आप उनकी जब पिक्चर दिखाएंगे उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स विल मोर अंडरस्टैंड योर टॉपिक और कहीं ना कहीं उनका इन्वॉलमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा आपकी टीचिंग में राइट सो आपकी क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी थ्रू दिस मेथड ऑफ टीचिंग लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स द एडवांटेजेस कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं इस तरीके की टीचिंग में नंबर वन मैनी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉड टू द क्लास थ्रू द वीडियो प्रेजेंटेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और आजकल uh, बहुत ज़्यादा इसको ऑप्ट भी किया जा रहा है uh, जिसका पहला एडवांटेज हमें मिलता है कि आप न केवल वीडियो क्लिप्स दिखाकर कोई मूवी uh, दिखाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपने क्लास में कुछ एक्सपर्ट्स और इम्पोर्टेंट uh, पर्सनैलिटीज़ को भी जोड़ सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग uh, uh, के थ्रू uh, अब आजकल तो जूम uh, ऐप आ गया है बहुत सारे ऐसे गए हैं जिसमें कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं क्लास में तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हायर स्टडीज की बात करें और मैनेजमेंट कॉलेज है तो आपने जो लेक्चर डिलीवर करा फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आपने अपने जो लेक्चर को डिलीवर करने के एंड में क्लास को कनेक्ट किया एक एच आर एग्जीक्यूटिव से एक अच्छी कंपनी से कंपनी के एच से जिसने अपना इनपुट भी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिया कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द करियर तो जो इनटेक uh, है स्टूडेंट्स का वो कहीं ना कहीं उसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा राइट देन स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स जैसे हमने अभी बात करी कि ये हायर स्टडीज में ज्यादा इंपैक्टफुल भी होता है जिसमें कि आप uh, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं अपने क्लासेज में लाइवली देन इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स एंड डिमांस्रेशन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज सचेस्लाइड मॉडल्स एंड स्पेसिमेंट जो हमने अभी डिस्कस करे कि आप टीचिंग कंटेंट को आ, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इन टी वी और वीडियो माध्यम को इस्तेमाल कर सकते हैं आप अधिक से अधिक आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम अगर टीचर पढ़ा रहा है तो सोलर सिस्टम को अगर आप इस तरह से स्लाइड्स के थ्रू मॉडल्स के थ्रू वीडियो क्लिप्स के थ्रू बताएंगे तो स्टूडेंट्स उसको ज्यादा इनटेक लेंगे आपसे ज्यादा समझेंगे उसको देन ईजिली एक्सेसिबल फॉर द लर्नर्स इन रिमोट एरियाज़ अच्छा आप टेक्नोलॉजी देखिए दूर दूर तक पहुँच गई है रिमोट uh, एरियाज़ में भी इंटरनेट वाईफाई का कनेक्शन पहुँच गया है तो आप uh, uh, एक जगह बैठे बैठे ही उन लर्नर्स को भी कवर कर सकते हैं आप उन तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ पहुँचे और आप अपने कंटेंट को वहाँ डिलीवर करें राइट देन स्पेसिफ़िकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज जोग्रफी एंड एस्ट्रोनॉमी जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जोग्राफी एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोलर सिस्टम है आपने जोग्राफिकली आप एमजॉन फॉरेस्ट uh, बच्चों को दिखा सकते हैं वट एवर यू आर टीचिंग इन द क्लास यू कैन शो देम थ्रू योर वीडियो प्रेजेंटेशन राइट देन लिमिटेशन uh, भी हैं क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं अगर कुछ प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स भी होंगे लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन नेचुरली आप जब uh, इस तरह से uh, या वर्चुअली आप क्लास को जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पर वन वे ही कम्युनिकेशन रहता है देन देयर कैन बी डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग द कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल्स टू टेलीकास्ट पीरियड और कहीं ना कहीं एक टेक्निकल डिफ़ॉल्ट भी कई बार सामने आ जाता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है वाईफाई कनेक्शन का लैकिंग आ जाता है इस तरीके के टेक्निकल जो डिफ़ॉल्ट हैं वो कई बार हमको फ़ेस करने मिल जाते हैं सो so इस तरह से जैसे हर चीज़ के कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं ठीक इसी तरह इस तरीके के लेक्चर की इस तरीके के मेथड की भी कुछ कमियाँ हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं नाउ स्टूडेंट्स यू नो कि हर लेक्चर के एंड में हम रेलिवेंट एम सी क्यूज़ को डिस्कस करते हैं सो so, uh, इस लेक्चर के uh, जो एम सी क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर वन है टीचर्स हु आर इंथ्यूजियाटिक इन द क्लासरूम टीचिंग सिंपली ऑप्शन ए ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन वो केवल ये इस तरीके से अपना जो इसका इंथ्यूजाजम है वो केवल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो क्लास का अटेंशन सीख करता है देन ऑप्शन बी ऑफ एन लैक प्रोफिशियंसी इन द सब्जेक्ट विच स्टेज हिडन अंडर द Uh, uh, जो भी uh, जो इंथ्यू वो दिखा रहा है जो इंथ्यूजियाजम वो दिखा रहा है टीचर uh, तो uh, इस वजह से भी वो ओवर uh, एक्साइटेड रहता है केवल ताकि उसकी लैक ऑफ uh, जो नॉलेज uh, है सब्जेक्ट की वो छुप जाए देन इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर इसलिए करता है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इन्वॉल्व हो पाए या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज़ अ रॉन्ग आंसर इट इज़ नॉट द मोटिव ऑफ द टीचर

क्वेश्चन नंबर टू में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड उसे क्या करना चाहिए इवालुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इट ऑप्शन ए ऑप्शन बी फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल वो ये करता रहे कि भाई वो अपने स्टूडेंट्स की गलतियाँ ढूंढता रहे या फिर रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट कि भैया नहीं संभल रहा है तो आपने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया या फिर स्टार्ट डिक्टेटिंग आपने कुछ समझ में नहीं आया तो आपने सिंपली अपने कंटेंट को डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग लिखो स्टार्ट कर दो लिखना सो so, एक एक टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट उसको क्या करना चाहिए ही मस्ट इवालुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इट दिस इज़ द ओ ओनली वे अगर उसको लगता है बिकॉज स्टूडेंट्स इट्स इट्स वेरी नेचुरल कि आपका जो आप शुरू में जब टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका जो टीचिंग क्वालिटी uh, uh, है वो इतना uh, अच्छा नहीं होता यू जस्ट यू हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग उसके बाद जब आप दूसरे साल आप टीचिंग कंटिन्यू करते हैं तो आपका टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होता है थर्ड ईयर वो और इम्प्रूव होता है तो धीरे धीरे जब आप अपने काम पर uh, थोड़ा मेहनत करते हैं आप अपने कंटेंट पर काम करते हैं तो वो नेचुरली इम्प्रूव होगा दिस इज द ओनली वे आप कैसे कैसे आपकी टीचिंग में ठहराव आता जाएगा साल दर साल वो आप खुद ही देख पाएंगे एंड आफ्टर फ्यू इसन यू विल मेमोराइज द डे वन वेन यू स्टार्ट योर टीचिंग देन यू विल सी यू विल ऑब्जर्व अ ग्रेट डिफरेंस इन दैट टीचिंग राइट सो इट्स अ वेरी नेचुरल वे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और आप इसको uh, इसी तरह से इम्प्रूव करेंगे ना क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में uh, जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू कैसे आपकी क्लास में डेमोक्रेसी है डैट मीन्स एवरी वन हैज राइट टू से एवरी वन हैज़ राइट टू आज द क्वेश्चन और आप अपने स्टूडेंट्स uh, में पक्षपात नहीं करते हैं ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा ऑप्शन ए अलाइंग स्टूडेंट्स फ्रीडम टू द ऑब्जरवेंस ऑफ क्लास रूम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑप्शन बी अलाइंग द क्लास टू डिसाइड आरिकुलर एक्सपीरियंसिस इन द क्लास रूम या ऑप्शन सी अलाउंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़ या इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है सो स्टूडेंट्स आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज केवल स्टूडेंट को फ्री कर देना क्लास में रूल्स एंड रेगुलेशन से दिस इज नॉट डेमोक्रेसी ऑप्शन बी जिसमें कि आप uh, uh, अपने स्टूडेंट्स को अलाइंग द क्लास टू डिसाइड द आरकलम एक्सपीरियंस ऑफ द क्लासरूम ये भी बिल्कुल सही आंसर नहीं है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेन यू आर ऑलॉइंग ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इट इज डेमोक्रेसी इट इज द डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट इन द क्लास रूम सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट ट्रेंड ऑफ आर लेक्चर जिसमें कि हर लेक्चर के एंड में हम एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन है इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक व्ट शुड यू डू आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर ऑप्शन ए दिया है कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज ऑप्शन बी नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑप्शन सी कीप योर टीचिंग स्लो ऑप्शन डी कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स आप स्टूडेंट्स इसको घर में एनालाइज करेंगे सोचेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे देन वी विल मूव फॉर सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए राइट स्टूडेंट्स सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टे सेफ स्टे हेल्दी गुड बाय